हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरएनसीसी। सो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो अगेन एमसीक्यू बेसिस पे रहने वाली है, और जो फोकस होगी अपने स्टेट सीएचओज के जैसे एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ में जो अपना एक्सप्लेनेशन रहता है वो एक्सप्लेनेशन फोकस रहेगा किसके ऊपर, पीजीआई आरएमएल जिपमेर एम्स नॉर्थसाइड 2023 के ऊपर, ठीक है? क्योंकि रेशनल्स के अंदर ही हम पूरा टॉपिक्स यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारी आरएनसीसी का जो ऑफिशियल ऐप है जो आपको गूगल प्ले से मिल जाएगी, सो वहाँ पे हम डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं। उसी के साथ ही जिपमेर पीजीआई स्टेट सीएचओ के लिए भी हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो चलाई जा रही है, तो आप उनको बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हो, और अपने आपकी जो स्टडी है उसका आप लेवल भी असेस कर सकते हो कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ओके, करता हूँ करती हूँ। ओके, सो आप उसको भी जरूर आप कंसिडर कीजिएगा। शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है कि इसके अंदर किसी पेशेंट को डेंगू की कंडीशन हुई है, तो डेंगू होने के बाद में फर्स्ट स्टेज होती है डेंगू फीवर की, सेकेंड स्टेज होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर की, थर्ड स्टेज होती है डेंगू शॉक सिंड्रोम। सो डेंगू शॉक सिंड्रोम के अंदर कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग हमें जो है वो देखने को मिलेगी, तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है बेसिकली। थ्रम्बोसाइटोपनिया देखने को मिलेगा, नो एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लॉस, डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या फिर राइजिंग हिमेटोक्रिट लेवल। सो सबसे पहले अपन डेंगू के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं कि डेंगू क्या होता है। ठीक है, डेंगू जो है एक मॉस्क्यूटो बोर्न डिजीज है। ओके, सो इसका जो कॉजेटिव जो सोर्स है वो कौन सा रहता है, एडीज एजेप्टी। ओके, एडीज एजेप्टी जो है वो इसका कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पुट ऑन होता है यहां से कि भाई डेंगू को जो रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो उसके लिए एडीज एजेप्टी। ठीक है, अब इस एडीज एजेप्टी के नेचर के बारे में भी अपने से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो इसका नेचर कैसा होता है, एक तो ये नर्वस फीडर एंड एंथ्रोफिलिक। ठीक है, अब नर्वस फीडर अपन किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली टेक मल्टीपल ब्लड्स फॉर मल्टीपल हॉर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंटली टेक मल्टीपल ब्लड फ्रॉम मल्टीपल होस्ट। ठीक है, लाइक जो भी ह्यूमंस है तो उनके जो ये एडीज एजेप्टी है वो फ्रीक्वेंटली वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन, वहां पे जो ब्लड सेकिंग के लिए फ्रीक्वेंटली वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन पे जाती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नर्वस फीडर की इसकी प्रवृत्ति रहती है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो नर्वस फीडर का रहता है। इसी के साथ ही एंथ्रोफिलिक्स मीन्स क्या होता है, प्रिफरिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये एनिमल से ज्यादा ह्यूमन बींग्स को प्रिफरिंग करती है, प्रिफरिंग ह्यूमन बींग। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा हो गया, एक तो नर्वस फीडर होती है, दूसरा ये यहाँ पे एंथ्रोफिलिक नेचर की होती है। ठीक है, सो यहाँ पे इनसे भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एडीज एजेप्टी जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, जो एंथ्रोफिलिक होती है और नर्वस फीडर होती है। अब इसके बाद में डेंगू के अंदर अपनी जो तीन स्टेजेस होती है उसको अपन सोल्व कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बारे में भी शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारे उनको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है डेंगू फीवर। सो इस स्टेज के अंदर क्या होता है, बॉडी बॉडी एक होती है पेशेंट को, ठीक है, ब्रेक बोन। ठीक है, ब्रेक बोन यहां पे फीवर जैसी कंडीशन जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, और आर्थराइलजिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। इसके बाद में स्टेज टू होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर। सो इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है, जो भी अपनी बॉडी के नेचुरल ओरिफाइसिस होते हैं,
मींस जो भी अपनी बॉडी के अंदर ओपनिंग होती है वहां से जो क्या होता है, ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी है वो यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। सो इसको इस वाले स्टेज को अपन ने क्या बोला, डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है। यहाँ पे जो डेंगू फीवर स्टेज के अंदर अगर ट्रीट नहीं होता है तो आगे जाके कोच क्या स्टेज क्या आ जाती है इसमें पेशेंट में, डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है। अब इसके अंदर एक टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं जो कि एग्जाम के अंदर आपको सीधा पूछा गया है, एम्स जैसे एग्जाम्स के अंदर भी ये टेस्ट पूछते हैं। कौन सा टेस्ट? टॉर्निकेट टेस्ट। टोर्निकेट टेस्ट को जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। अब टोर्निकेट टेस्ट के अंदर अपन क्या परफॉर्म करते हैं वो अपन देख लेते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो बीपी कफ होता है उसको अपन क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। इन दोनों की रेंज के बीच में इसको जो बीपी कफ को अपन इन्फ्लेट करके रखते हैं 4-5 मिनट, ठीक है। अब 5 मिनट तक अपन ने यहाँ पे बीपी कफ को इन्फ्लेट किया है। अब बीपी कफ को जैसे यहाँ पे क्या अपने क्या देखने को मिलता है, ब्लीडिंग देखने को मिलता है, सो यहाँ पे भी अपने क्या देखने को मिलेगा, जो पटेगिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, जो भी पटेकिया जो है वो हमें देखने को मिलता है। पटेकिया मीन्स क्या होता है कि छोटे छोटे अपने को डॉट देखने को मिलेगा स्किन के ऊपर, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, एंटी क्यूबिटल फोसा के अंदर। ठीक है, सो इस पेटेकिया को अपन यहाँ पे टोर्निकेट टेस्ट के अंदर अपन असेस करते हैं। सो ये इस टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं, टोर्निकेट टेस्ट। अब पेटेकिया कितने होने चाहिए तब जाके इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट। सो पेटेकिया हमें देखने को मिलेगा मोर देन 10 पेटेकिया पर स्क्वायर, ठीक है। मोर देन पेटेकिया पर स्क्वायर जो है वो यहाँ पे टोर्निका टेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये भी एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पीजीआई के अंदर कि जो टोर्निका टेस्ट के अंदर वो है वो मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए जब वो अपन उसको पॉजिटिव बोलते हैं टोर्निका टेस्ट को, ठीक है। सो ये अपना टोर्निका टेस्ट है वो किसमें करते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर में, पता लगाने के लिए कि भाई उसको जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी कितनी है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज कौन सी होती है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS। सो अब जो सेकेंड स्टेज भी ट्रीट नहीं होती है तो इस कंडीशन में क्या आता है, थर्ड स्टेज आती है पेशेंट के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो पेशेंट को हाइपोटेंशन देखने को मिलती है, इसके बाद में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 90 mm ऑफ HG देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। पल्स डिफरेंस जो है वो लेस देन 20 mm ऑफ HG रह जाता है। साथ ही साथ में स्किन जो है वो उसकी कोल्ड एंड कामी जो है वो स्किन यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। सो अब इस कैटेगरी के अंदर जब अपन लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे तो क्या फाइंडिंग हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ऑप्शन के अंदर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है अपनी बॉडी की कम हो रही है, ठीक है। सो ये इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ओके। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अंडर 1 लैक, तो ये अपने को डेंगू हेमरेजिक फीवर की कंडीशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। नो एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लॉस, डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। और राइजिंग हेमेटोक्रिट, हेमेटोक्रिट जो है वो अप टू 20% तक जो है वो यहाँ पे डेंगू हेमरेज जो डेंगू शॉक सिंड्रोम वाली कंडीशन में अप टू 20% तक जो है वो हेमेटोक्रिट का लेवल राइज हो सकता है, ओके। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर जो निकलेगा वो क्या रहेगा, डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिक्रीज TLC, ओके। आई होप आपके समझ में आ गया हो ये तीनों स्टेज। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू DSRNA वायरस, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वायरस है जो DSRNA वायरस टाइप का है। DSRNA का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, डबल स्ट्रैंड, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस इनमें कौन सा है, राइस ड्रॉप वायरस, रेबडो वायरस, या फिर मोजेक वायरस, या फिर पेपा वायरस क्लोज्ड। सो एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 46 एग्जाम्स के अंदर, तो मैं आपको एक इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, राइस ड्रॉप वायरस जो है वो डबल स्टैंड वायरस के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा राइस ड्रॉप वायरस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपको CHOS एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे।
नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें कैसे टिश्यू में देखने को मिलेंगे, नर्वस टिश्यू जो है अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच टेक्निक ऑफ कैंसर डिटेक्शन लो एनर्जी बीम आर यूज एंड फिल्म ऑफ सॉफ्ट ब्रेस्ट टिश्यू आर टेकन विदाउट द यूज ऑफ रेडियो अपेक मीडियम, ठीक है। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर एक तो लो एनर्जी बीम का यूज किया जा रहा है, ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यू के लिए अपन जो सॉफ्ट ब्रेस्ट टिश्यू के अपने को उसके अंदर फिल्म फिल्म लेनी है, कोई भी रेडियो ओपेक मीडियम को यूज नहीं करते हुए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्रोसीजर है, मेमोग्राफी, जेरोग्राफी, थर्मोग्राफी या फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए मेमोग्राफी, ठीक है। तो मेमोग्राफी के अंदर क्या होता है, लो एनर्जी बीम प्रोवाइड करवाई जाती है और कैसा भी रेडियो ओपेक मीडियम को अपन यहाँ पे यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ रेडियो ओपेक मीडियम, ठीक है। तो मेमोग्राफी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन अभी आपके WCL वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया था और इसी क्वेश्चन को मैंने आपको प्रीवियस जो मेरी क्लासेज रह चुकी है, अब तक मैंने 21 क्लासेज ली है इस चैनल के ऊपर, सो उस क्लास के अंदर आपको मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करवा रखा है, डिट्टो मैंने क्वेश्चन सोल्व करवा रखा है, आप जाके प्रीवियस क्लासेज भी देख सकते हो आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विच मेलिग्नेंट टाइप ऑफ नियोप्लाज्म इज यूज फॉर कैंसर ऑफ एपिथीलियल टिश्यू सच एज स्किन और स्टोमक लाइनिंग, ठीक है। सो ऐसा कौन सा कैंसर है जो एपिथीलियल टिश्यू का कैंसर, जिसको अपन एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर बोलते हैं, ठीक है, जो मेनली स्किन और स्टोमक लाइनिंग के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है तो उनके अंदर नियोप्लाज्म की कंडीशन होती है, ठीक है। तो उस कैंसर को अपन क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमियाज या फिर लिम्फोमाज। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को जो रॉन्ग आंसर है उसको अपन नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, लिम्फोमाज के अंदर अपन क्या देखते हैं, लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो भी जो लिम्फ नोड वगैरह आता है तो इसके अंदर अगर कैंसर जो कैंसरस की कंडीशन होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फोमाज। ल्यूकेमियाज के अंदर क्या होता है, ल्यूकेमियाज ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू के अंदर कैंसरियस कंडीशन, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज के अंदर कैंसरियस कंडीशन का होना उसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकेमियाज। एक प्रकार का ये ब्लड कैंसर का यह टाइप है ल्यूकेमिया, ठीक है। सो इसके अंदर क्या हो जाता है, पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो लो हमें देखने को मिलती है, डिक्रीज द इम्यूनिटी ऐसे पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, सार्कोमा। सार्कोमा के अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, ग्रुप ऑफ कैंसर दैट बिगिन इन बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। जो बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जो कैंसर डेवलप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमा। सो एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो कैंसर डेवलप हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो करेक्ट आंसर रहता है वो क्या रहेगा, कार्सिनोमा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार टर्म्स से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। सो जब इन क्वेश्चन का टर्म्स का आंसर अपने को पता नहीं लगेगा तो जब तक अपन आंसर को राइट नहीं कर पाएंगे, ओके। सो आप नोट डाउन भी कर सकते हो साथ साथ में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक जरूर कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप सजेस्ट कीजिए, उनका भी जो वो भी जॉब लग जाए वो भी अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्टाब्लिश कवरिंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लेग, ठीक है। सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसको एस्टाब्लिश किया जाता है 1 लेग की पॉपुलेशन के ऊपर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर लेवल, आंगनवाड़ी सेंटर या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सो 1 लेग की यहाँ पे पॉपुलेशन है तो 1 लेग की पॉपुलेशन के अपन क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। अपन अब तीनों ही देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पुट ऑन होता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, PHC की। PHC जब अगर प्लेन एरिया के अंदर हमें PHC इस्टेब्लिश करनी होती है सो यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे 5000 पीपल्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, एंड ट्राइबल या फिर हिली एरियाज के अंदर अगर करना हो PHC का तो यहाँ पे 3000 पीपल्स का रिक्वायरमेंट होता है, तब जाके वहां पे 1 PHC एस्टैब्लिश की जाती है, ओके। नेक्स्ट, सॉरी PHC नहीं, सब सेंटर। ये सब सेंटर के बारे में है, PHC को अपन कब एस्टैब्लिश करते हैं, PHC को अपन एस्टैब्लिश करते हैं जब प्लेन एरिया के अंदर 30000 हो और हिली एरिया के अंदर 20000 हो, ठीक है। ये पीपल्स के अगर रहता है वहां पे पॉपुलेशन, तब अपन वहां पे 1 PHC एस्टैब्लिश करते हैं, और 5000 की पॉपुलेशन पे क्या करते हैं, सब सेंटर,
ठीक है, सब सेंट्रल लेवल को जो एस्टैब्लिश करते हैं उसको अपन कब करते हैं, 5000 की पॉपुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की प्लेन एरिया के अंदर हो तो कितना होना चाहिए, 1,20,000, और ट्राइबल और हिली एरिया के अंदर कितना होना चाहिए, 80,000। ठीक है, सो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड और आया है, आंगनवाड़ी सेंटर को अपन कहाँ एस्टैब्लिश करते हैं। सो इसका भी अपन बात कर लेते हैं कि भाई आंगनवाड़ी सेंटर को कहाँ एस्टैब्लिश करना है। सो वन आंगनवाड़ी सेंटर को अपन कहाँ एस्टैब्लिश करते हैं, 400 to 800 पॉपुलेशन पे। ठीक है, 400 to 800 की पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो आंगनवाड़ी एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रफली अपने को देखना है कि भाई आपको रेंज पूछ ले कुछ बुक्स के अंदर, सो ये कुछ बुक्स के अंदर 800 to 1000 की पॉपुलेशन पर भी एक आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो एस्टैब्लिश किया जाता है। ओके, सो अपने को यहाँ पे अगर एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन दिखे तो अपने को ज्यादा करेक्ट इसी को मानते हुए चलना है। ठीक है, तो कुछ बुक्स के अंदर 800 to 1000 पॉपुलेशन के ऊपर भी एक आंगनवाड़ी सेंटर को जो है वो एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। ठीक है, तो जो आंगनवाड़ी सेंटर है जो रूरल और अर्बन वाले एरियाज के अंदर वेरी करता है। सो आंगनवाड़ी सेंटर पे जो काम कौन करती है, आशा, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले के टाइम पे। और इसका जो एक आशा कितने पॉपुलेशन पे रहती है, 1000 पॉपुलेशन पे। ठीक है, सो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एडीज, जो कि एक वेक्टर बोर्न डिजीज है, मस्कीटो बोर्न डिजीज है, सॉरी, एक एडीज से क्या फैलता है, डेंगू फैलता है, तो एक वेक्टर बोर्न डिजीज, मॉस्किटो बोर्न डिजीज। ठीक है, एडीज वायरस आर एसोसिएटेड टू विच डिजीज। ठीक है, एडीज वेक्टर वायरस आर एसोसिएटेड टू विच डिजीज। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है, पहले भी अपन ने अभी प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था कि एडीज जो है वो डेंगू डिजीज के अंदर जो है वो एडीज एजिप्टाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, डेंगू। जैपनीज एंसेफेलाइटिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, जैपनीज एंसेफेलाइटिस के लिए होता है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स विश्नोई। ठीक है, क्यूलेक्स विश्नोई जो है वो जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। फाइलेरिया, फाइलेरिया को अपन क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, राउंड वॉर्म। नेक्स्ट काला आजार, तो काला आजार के लिए क्या होता है, सैंड फ्लाई। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तभी मैं आपको इन सारे ऑप्शंस के ऊपर मैं थोड़ा स्पेशली थोड़ा ध्यान देके आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सारे ऑप्शंस जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ब्लैक फीवर। अब काला आजार का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, लेसमेनियासिस डोनोवेनी। ठीक है, तो काला आजार का जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, लेस्मेनियासिस डोनोवेनी, और इसका जो इसको कौन जो है फैलाता है वो है सेंट फ्लाइज के अंदर जो कोज करने में हेल्प करती है काला आजार को। ठीक, काला आजार को अपन ब्लैक फीवर भी अपन जो है उसको कहते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा सिक्स क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहने वाला है डेंगू फीवर, क्योंकि एडीज एजेप्टी जो है वो डेंगू को कोज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉट इज द शेप ऑफ बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का यहाँ पे शेप पूछा है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, एलिप्सोइडल स्पेरिकल फिलामेंटस रॉड शेप या फिर विब्रियो और कोमा शेप में। ठीक है, तो विब्रियो कोमा शेप में कौन सा होता है, कोलेरा। ठीक है, एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब जो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, रॉड शेप। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है सो यहाँ पे इसकी शेप कैसी रहती है, रॉड शेप यहाँ पे रहती है। ओके, सो 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रोड सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टिब्री आर इन थोरेसिक। थोरेसिक रीजन के अंदर कितने हमें वर्टिब्रा देखने को मिलता है, 5, 12, 7 और 8। सो यहाँ पे 12 जो वर्टिब्राज है वो हमें थोरेसिक रीजन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 कौन सी रहती है, सर्वाइकल। ठीक है, एंड 5 कौन सी रहती है, लंबर।
ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का जो फादर है किसको कहा गया है, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मैक्स या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। सो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम किसको बोलेंगे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम बोलेंगे अगस्ट कॉम्टे को, ठीक है। अगस्ट कॉम्टे आर फादर इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। मैक्स वेबर ने क्या किया था, ये इसने ब्यूरोक्रेसी इसने थ्योरी यहां पे हमें दी थी, किसने, मैक्स वेबर ने, ठीक है। सो नाइन्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन हैज बिलो मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक्स्ट्रा फिंगर्स एंड टॉयज, ठीक है। सो ऐसी कौन सी जेनेटिक कंडीशन है जिसके अंदर एक फिंगर एक्स्ट्रा हो रही है पेशेंट के अंदर, या फिर जो जो पैर की जो उंगलियां हैं वो उनमें जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हंटिंगटन डिजीज, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, पोलीडिक्टेली या फिर एकोंड्रोप्लेसिया। सो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पोलीडिक्टेली, ठीक है। पोलीडिक्टेली अपन किसको बोलेंगे, जब किसी पर्सन के अंदर एक्स्ट्रा फिंगर या फिर एक्स्ट्रा टॉयज या जो है वो देखने को मिलते हैं, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पोलीडिक्टेली। और जो इसी के ही एक और टर्म आती है, कौन सी आती है, उससे भी क्वेश्चन पुट ऑन हो रखा है, उसको अपन बोलते हैं सिंडिक्टेली। सिंडिक्टेली के अंदर क्या होता है, लेस फिंगर एंड टॉयज, ठीक है। वन लेस फिंगर और जो टॉयज की कंडीशन अपने देखने को मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंडिक्टेली। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पॉलीडिक्टेली। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ टाइम्स हमें और देखने को मिल रही है कि हंटिंगटन डिजीज अपन किसको बोलते हैं, हंटिंगटन डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो नर्व सेल होती है अपने ब्रेन की, उनका जो ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ नर्व सेल ऑफ ब्रेन, ठीक है। इस डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, हंटिंगटन डिजीज। नेक्स्ट हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, कोलेस्ट्रोल का लेवल जो जब ब्लड के अंदर मोर देन 200, ठीक है, एमजी पर डीएल, ये अगर कोलेस्ट्रोल का लेवल अगर बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, एकोंड्रोप्लेसिया। एकोंड्रोप्लेसिया के अपन क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है। जो पेशेंट ड्वार्फिज्म की कंडीशन होती है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, एकोंड्रोप्लेसिया भी अपन उसको कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक तो शॉर्ट लिम्स जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, शॉर्ट लिम्स देखने को मिलता है, साथ ही साथ में मैक्रोसिफेली जो हेड है उसका पेशेंट का वो बड़ा देखने को मिलता है, साइज बड़ी देखने को मिलती है। इसके बाद में बोर्ड लेग, ठीक है, जो एरो जो अपना जो तीर कमान रहता है वैसी उसकी जो एरो है वैसे शेप के अंदर यहाँ पे बोर्ड लेग जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, शॉर्ट फूट एंड टॉयज। ठीक है, ये कंडीशन हमें देखने को किसमें मिलती है, एकोंड्रोप्लेसिया के अंदर, ठीक है। तो ये सारी जो टर्म्स है आप सभी के कंप्लीट कवर होनी चाहिए, तभी अपन जो है वो करेक्ट ऑप्शन के ऊपर जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन पर चले जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी का भी आपको पता होना जरूरी है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पॉलीडिक्टेली। पॉलीडिक्टेली के अंदर कुछ बढ़ जाता है अपनी बॉडी में, लाइक फिंगर्स एंड टॉयज, एंड सिंडिक्टेली का मतलब होता है कुछ लेस होना फिंगर एंड टॉयज के अंदर, उसको अपन बोलेंगे सिंडिक्टेली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मलेरिया इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो मलेरिया जो फैल रहा है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ठीक है, कौन सा प्लाज्मोडियम मोस्ट कॉमन इंडिया के अंदर मलेरिया कॉज करवाता है। ऑप्शन है अपने पास में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम प्राइमाक्विन या फिर प्लाज्मोडियम मेरल। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मलेरिया क्या है। मलेरिया एक मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज है जो किसके द्वारा फैलती है, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। एनाफिलीज का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सो फीमेल एनाफिलीज जो है वो मलेरिया को कॉज करवाती है, ठीक है। सो अब अपन बात करते हैं इसके मोस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर,
इंडिया के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मोस्ट कॉमन फैक्टर है मलेरिया कोच करवाने का, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोच कौन सा हो गया? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब इसके बाद में अपन और क्या क्या क्वेश्चन देख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है रोनाल्ड रोज के बारे में, ठीक है। रोनाल्ड रोज ने क्या किया था, सॉरी रोनाल्ड रोज ने क्या किया था, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। इन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया था, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब इससे यह तो हो गया रोनाल्ड रोज के बारे में कि भाई प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को किसने डिस्कवर किया था, रोनाल्ड रोज ने। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो प्लाज्मोडियम को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये हमें कई बार अपन नहीं पढ़ पाते हैं या फिर अपन जो भूल जाते हैं इसके बारे में अपन कम पढ़ा हो, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किसने किया था, तो इसको किया था चार्ल्स चार्ल्स लावेरन ने। क्या किया था? डिस्कवर पेरासाइट। ठीक है, इस पैरासाइट को किसने डिस्कवर किया था? चार्ल्स लावरेन ने। इससे और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी अपन देख लेते हैं, जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो 6 से 10 एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सर, एंटी मलेरिया डे कब मनाया जाता है? एंटी मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल। एंटी मलेरिया मंथ कौन सा होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो एंटी मलेरियल मंथ कौन सा होता है? जून मंथ होता है, जो एंटी मलेरियल मंथ होता है। अब इसके बाद में ओवेल और जो नोवेलेसी है ये दो टाइप और होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? ये आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आउट ऑफ इंडिया के अंदर मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर कौन कोच करवाता है? वाइवेक्स। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और एक क्वेश्चन आता है कि मलेरिया की डीओसी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मलेरिया के पेशेंट को अपन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। इसके अंदर अपन ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं क्लोरोक्विन प्लस प्राइमाक्विन, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस का काम करता है मलेरिया के अंदर। अब इसके बाद में कम्युनिटी लेवल का मैं आपको और एक क्वेश्चन बताता हूं कि अब जो अर्बन एरियाज के अंदर मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होती है फीमेल उसको अपन क्या बोलते हैं? अर्बन एरिया के अंदर जो है वो स्टेफेंसी एंड रूरल एरियाज के अंदर अपन कौन रेस्पॉन्सिबल होती है? कोलिसी फेसिस, ठीक है। जो कोलिसी फेसिस जो फीमेल है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। एनाफिलीज की कैटेगरी है ये दोनों, कि अर्बन के अंदर अगर मलेरिया फैलाने वाली मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? स्टेफेंसी। एंड रूरल एरियाज के अंदर अगर मलेरिया जो ट्रांसमिट करती है वो मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? कोलिसी फेसिस, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है मलेरिया से अपन जो है एग्जाम के अंदर पुट ऑन होते हैं। और अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको डीप बता देता हूँ कि डीप तो क्या है बट ऐसे आप ठीक आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्या पता पूछ ले। कि रोनाल्ड रोज ने जो मलेरिया की साइकिल की जो खोज कौन सी सन में की थी? ये था सॉरी 1987, ठीक है। 1987 के अंदर जो है वो रोनाल्ड रोज ने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को जो है वो डिस्कवर कर दिया गया था, ठीक है। अब मलेरिया के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है इसकी स्टेज से, ठीक है। क्या क्या स्टेज हमें देखने को मिलती है? कोल्ड, हॉट एंड स्वेट, ठीक है। तो ये कुछ तीन तरह की स्टेज जो है हमें मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन इससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है? कोल्ड, हेड, हॉट एंड स्वेट के साथ में, इसके साथ में कुछ अलग ऑप्शन डाल देंगे, फिर पूछ लेंगे भाई इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भाई कोल्ड, हॉट और एंड स्वेट जो है वो मलेरिया वाले पेशेंट की 3 स्टेज होती है क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। आगे जब मलेरिया से अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे तब हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। हमारा 11th नंबर क्वेश्चन कौन सा है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वाइवेक्स के बाद में भी अगर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हो गया वाइवेक्स एंड इसके बाद में सेकंड पूछ ले तो ये कौन सा है? फैल्सिफेरम, ठीक है। फैल्सिफेरम जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम का टाइप है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज करता है इंडिया में मलेरिया। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग फर्स्ट एड फॉर सीरियस बर्न। ठीक है, सीरियस बर्न के यहाँ पे अपन कैटेगरी की बात करें तो 4 डिग्री बर्न या फिर 3rd डिग्री जो बर्न है उस कैटेगरी के अपन बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जब अपन फर्स्ट एड जो प्रोवाइड करवाते हैं तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी है वो इनकरेक्ट है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। डू नॉट ओपन ब्लिस्टर्स, ट्रीट फॉर शॉक। ठीक है, ये तो अपन बिल्कुल करते हैं कि ब्लिस्टर्स को ओपन नहीं करते हैं और शॉक की कंडीशन को ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि बर्न के केसेस के अंदर कौन सा शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, पेशेंट जो फ्लूड जो का लेवल है वो बॉडी के अंदर यहाँ पे कम देखने को मिलता है, बर्न वाले पेशेंट के अंदर फ्लूड लॉस होता है। नेक्स्ट, डू नॉट अप्लाई ऑइंटमेंट और एनी अदर होम रेमेडी। ठीक है, तो ये भी अब ठीक है फर्स्ट एड के अंदर ये भी अपन करते हैं। ऑइंटमेंट जो है ऐसा कोई सा भी अपन जो होम रेमेडी का जो भी ऑइंटमेंट है ओपन यूज में नहीं लेते हैं। इफ द हैंड्स आर इन्वॉल्व, ये इफ है यहाँ पे, इफ द हैंड्स आर इन्वॉल्व कीप देम अबव द लेवल ऑफ विक्टिम्स हार्ट। ठीक है, तो विक्टिम्स हार्ट के ऊपर जो है वो हैंड्स लेवल को जो प्लेस करना चाहिए, ये भी करेक्ट है अपना फर्स्ट एड करते हैं बर्न का। तो जो जो अगर हैंड्स अगर उसके अंदर इन्वॉल्व है तो यहाँ पे वेनस रिटर्न को जो अच्छे से हार्ट के पास में पहुंचे, इसलिए जो क्या विक्टिम के हार्ट के लेवल से अबोव रखते हैं। ठीक है, हैंड्स को लेवल को, बट गिव हिम ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सोडा एंड साल्ट। ठीक है, सो ये वाली जो फर्स्ट एड की प्रैक्टिस है ये अपन जो है बर्न के केस में फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपन कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न या फिर रेयरली सेकंड डिग्री बर्न वाले पेशेंट के अंदर अपन इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। ठीक है, बट थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री में क्या हो जाता है कि कैटेगरी आगे बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है। ठीक है, वाउंड यहाँ पे ओपन भी देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि साल्ट एंड सोडा के अंदर क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर यहाँ पे साल्ट प्रेजेंट रहता है जो क्या करता है, इरिटेशन करता है। ठीक है, सो इसलिए ये जो फर्स्ट एड जब अपन करते हैं तो ये वाली जो प्रैक्टिस है अपन फॉलो नहीं करते हैं। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसके अंदर जो अपना इनकरेक्ट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकरेक्ट मीन्स अपना ऑप्शन ये वाला राइट है। ठीक है, ये वाली प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स। ऐसी कौन सी ड्रग है जो लीव से पत्तियों से जो बनाई जा सकती है, डिजिटॉक्सिन, टोबोक्यूरियन, एमेटाइन या फिर जेंटामेसिन। ठीक है, जो लीव से जो बनेगी ड्रग उसको अपन क्या बोलते हैं, डिजिटॉक्सिन। ठीक है, जो डिजिटॉक्सिन है या फिर डिजोक्सिन है, सॉरी जो डिजिटॉक्सिन है, तो वो कैसे अपन कैसे ऑप्टेन करते हैं, लीव से अपन जो है वो ऑप्टेन करते हैं। इसके लिए कौन से लीव से अपन, किसकी पेड़ की लीव से अपन करते हैं, डिजिटेलिस लेंटा। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कौन सा लीव्स के कौन से प्लांट की लीव से अपन करते हैं, सो ये है डिजिटेलिस लेंटा। ठीक है, तो अब इसका जो ड्रग ऑफ एक्शन क्या होता है, ये अभी एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछते हैं कई बार। सो ये क्या करती है, इनहिबिट सिस्टोलिक एक्शन, अब सिस्टोलिक एक्शन को जो है इनहिबिट कर दिया तो क्या हो गया, अपने आप बॉडी की जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, जो बॉडी की जो हार्ट रेट है उसको अपन स्लो करती है कौन, डिजिटॉक्सिन। ओके, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन टेकिकार्डिया के अंदर इस ड्रग को काम में लिया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा, डिजिटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर जो एलिमेंट है उसका बायोलॉजिकल क्या फंक्शन है, हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, को फैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम्स, हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज या फिर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉइड हार्मोन। ठीक है, तो कॉपर का जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये एक को फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, सेवरल एंजाइम्स के अंदर क्या करता है, को फैक्टर की तरह काम करता है, उसके काम को एनहेंस करता है। ओके, सो कॉपर की रिस्पॉन्सिव काम क्या होता है, को फैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे अपना करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज नोन एज फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन की हिस्ट्री में फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट हम किसको बोलते हैं, जॉन स्नो, हिप्पोक्रेट्स, जेम्स लिन या फिर जोसेफ लिस्टर। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कौन सा, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, जो हिप्पोक्रेट्स को जो है अपन फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको साथ ही साथ में एक और क्या नाम से बोलते हैं, हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सो ये कुछ दो क्वेश्चन है अपने हिप्पोक्रेट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में ऑप्शन में अपने क्या दिया गया है, जेम्स लिन। सो जेम्स लिन ने क्या किया था, क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, फादर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है,
फादर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च अपन किसको बोलते हैं, जेम्स लिन को अपन जो है फादर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च बोलते हैं। इन्होंने किसके ऊपर रिसर्च की थी, इन्होंने स्कर्वी के ऊपर, ठीक है, स्कर्वी जो प्रॉब्लम है जो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है, स्कर्वी के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछ ले भाई जेम्स लिन ने किसके ऊपर रिसर्च की थी, तो स्कर्वी के ऊपर रिसर्च की थी, ठीक है। जो आपको सीएचएमसी एग्जाम में क्या कम्युनिटी से जो ज्यादा क्वेश्चन अपने को पुट ऑन हमें देखने को मिलते हैं सीएचएमसी, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम है, सो कम्युनिटी के अंदर कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, तो इजी क्वेश्चन रहेंगे और जो प्रीवियस उसकी कम्युनिटी की जो हिस्ट्री रहते हैं उससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में जॉन स्नो, जॉन स्नो कौन था, तो जॉन स्नो फादर ऑफ फील्ड एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, फिर फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी फादर, या फिर फील्ड एपिडेमियोलॉजी फादर, ठीक है। जॉन स्नो को अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी या फिर फादर ऑफ फील्ड एपिडेमियोलॉजी का फादर कौन है, जॉन स्नो है। इसी के साथ में इसने और क्या क्या काम किया था, इसने एक तो ऑब्स्टेट्रिक्स एनेस्थीसिया के लिए इन्होंने वर्क किया था। इसके बाद में अपना कौन सा था, जोसेफ लिस्टर, ठीक है। तो जोसेफ लिस्टर जो थे इन्होंने क्या किया था, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। जोसेफ लिस्टर को अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। सो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी किसको बोला, जोसेफ लिस्टर। सो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, वो है हिपोक्रेट्स, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हिपोक्रेट्स। इनको क्या साथ में क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन भी जो है अपन हिपोक्रेट्स को बोलते हैं, ठीक है। जो भी एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको हिपोक्रेट्स ऑथ दिलाई जाती है, ठीक है। क्यों दिलाई जाती है, क्योंकि वो फादर ऑफ मेडिसिन है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, इंडियन सर्जरी का फादर कौन है, धनवंतरी, चरक, सुश्रुता या फिर आत्रेय। सो इंडियन सर्जरी का फादर कौन है, सुश्रुता, ठीक है। सुश्रुता को अपन ने क्या कहा, इंडियन सर्जरी का फादर कंसीडर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलपॉक्स वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन है वो किसने प्रोवाइड करवाई थी, किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, पॉल एहलिस ने, रॉबर्ट कोच ने, लुईस पाश्चर ने या फिर एडवर्ड जेनर ने। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कि जो एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। कब किया था, 1796 के अंदर, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। अब इसी के साथ में स्मॉल पॉक्स से अपन और क्वेश्चन देख लेते हैं, स्मॉल पॉक्स का कोजेटिव एजेंट क्या रहता है, सो वेरियोला वायरस, ठीक है। तो वेरियोला वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स को दूसरा नाम क्या है, रेड प्लेग, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को अपन दूसरा नाम क्या है, रेड प्लेग। ये भी सीएचओ के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया है, एमपी सीएचओ के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। अब इसके बाद में आगे अपन और स्मॉल पॉक्स से क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर कौन सी हुई थी स्मॉल पॉक्स, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर कौन सी हुई थी स्मॉल पॉक्स, सबसे पहली वैक्सीन कौन सी बनी थी, स्मॉल पॉक्स की बनी थी। नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स से क्या क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट एंड ओनली डिजीज इराडिकेट, ठीक है। स्मॉल पॉक्स एकमात्र ऐसी डिजीज है जो टोटली इराडिकेटेड हो चुकी है, ठीक है। सो अब ये इराडिकेट कब हुई थी इससे भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंडिया में और वर्ल्ड में, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एलिमिनेशन की, ठीक है। एलिमिनेशन से क्वेश्चन आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो इंडिया में स्मॉल पॉक्स जो वो एलिमिनेट कब हुई थी, इंडिया के अंदर हुई थी 1975 में, और वर्ल्ड के अंदर एलिमिनेट कब हुई थी, वर्ल्ड के अंदर एलिमिनेट हुई थी 1978 में। अब इराडिकेट कब हुई थी, इराडिकेट से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई इंडिया में जो इराडिकेट है वो कब हुई थी, 1977 में, और वर्ल्ड से इराडिकेट कब हुई थी, 1980 के अंदर, ठीक है। तो WHO ने क्या किया था 1980 में, उसको जो 8 मई 1988 को क्या सॉरी 1980 में क्या किया था, इन्होंने इराडिकेट के लिए ग्लोबली अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है जो 1980 में मई में, ठीक है, मई के अंदर जो इन्होंने ग्लोबली इराडिकेट हो गई थी ये वैक्सीन, ठीक है। अब वैक्सीनेशन टर्म किसने दी थी,
एडवर्ड जिनर से अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई वैक्सीनेशन टर्म कॉइन्ड बाई एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई वैक्सीनेशन की टर्म किसने दी थी, तो एडवर्ड जिनर ने दी थी, ठीक है। तो एडवर्ड जिनर ने क्या किया था, सबसे पहले तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई थी, एडवर्ड जिनर ने बनाई थी, और ये सबसे पहली वैक्सीन है जो बनाई गई थी, ठीक है। सबसे पहली जो प्रॉप डिजीज थी वो एराडिकेट हुई थी, ठीक है। इसी के साथ ही एडवर्ड जिनर ने क्या किया था, वैक्सीनेशन टर्म भी जो वो किसने दी थी, एडवर्ड जेनर ने दी थी। वैक्सीन कब बनाई थी, 1796 के अंदर जो है वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। सो इसके बाद में हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पॉल एहरलिच, ठीक है। तो पॉल एहरलिच जो है इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं पॉल एहरलिच के बारे में। सो इन्होंने क्या किया था, टर्म दी थी, कौन सी टर्म दी थी, कीमोथेरेपी की, ठीक है। सो एग्जाम के अंदर पूछे कि आपको कीमोथेरेपी जो टर्म है वो किसने दी थी, एहरलिस ने दी थी। नेक्स्ट इसने कौन सी टर्म दी थी, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। अब इसके बाद में एक इन्होंने ड्रग भी यहां पे डिस्कवर की थी, किसके लिए, सिफिलिस के लिए, कौन सी की थी, सल्वारसन, ओके। सल्वारसन जो है वो ड्रग यहां पे किसने डिस्कवर की थी, सिफिलिस के लिए जो इन्होंने ड्रग डिस्कवर की थी, किसने, पॉल एहरलिच ने। अब इसके बाद में ऑप्शन में क्या दिया गया है, रॉबर्ट कोच, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि भाई रॉबर्ट कोच इन्होंने क्या योगदान दिया था कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। इन्होंने योगदान दिया था किसमें, टीबी एंड कोलेरा के अंदर, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनता है तो क्या बनेगा, टीबी एंड कोलेरा का रॉबर्ट कोच ने जो है वो यहाँ पे डिस्कवर किया था। अब इनको अपन क्या नाम से बोलते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न या फिर मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। फाउंडर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी कौन है, रॉबर्ट कॉच। इन्होंने ही क्या किया था, डिस्कवर क्योर ऑफ टीबी ऑन 1882 के अंदर इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो टीबी की जो क्योर है उसको इन्होंने यहां पे डिस्कवर किया था। इसीलिए वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 मार्च को। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार ये एग्जाम के अंदर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया जबकि वर्ल्ड टीबी डे के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब लास्ट में कौन बचे अपने, लुईस पाश्चर जी हैं वो लास्ट में अपने बचे हैं, तो इनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। लुईस पाश्चर, सो लुईस पाश्चर ने, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है अपने मेडिसिन जो मेडिकल फील्ड के अंदर। सो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था, कौन सी थ्योरी दी थी, सो लुईस पाश्चर ने एक तो जर्म थ्योरी दी थी। इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, पाश्चुराइजेशन की प्रोसेस बताई थी, पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। इसके अंदर दो मेथड होते हैं, कौन सा, एक होता है होल्टर एंड दूसरा होता है कौन सा, फ्लैश। होल्टर मेथड के अंदर टेम्परेचर कितना रहते हैं, 62.5 टेम्परेचर रखते हैं, कितनी मिनट तक, 30 मिनट तक रखते हैं। और फ्लैश के अंदर कितना टेम्परेचर रखते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, कितने टाइम के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद में क्या करते हैं, इसको कोल्ड करते हैं इस मिल्क को, ठीक है, 2 to 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो ये एक पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क की प्रोसेस है। इसके बाद में लुईस पाश्चर जी ने क्या किया था, इनको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न, ठीक है। तो ये किसके पापा है, ये मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के पापा है, ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी अपन कहते हैं, ओके। अब इसके बाद में इनको एक और इनको उपाधि मिलती, इन्होंने एक और चीज डिस्कवर की थी, क्या डिस्कवर किया था, फादर ऑफ ऑटोक्लेव, फादर ऑफ ऑटोक्लेव, ठीक है। ऑटोक्लेव का डिस्कवर किसने किया था, फादर ऑफ ऑटोक्लेव किसने, लुईस पाश्चर जी ने। इन्होंने क्या किया था, स्टेलाइजेशन की प्रोसेस इन्होंने ही बताई थी, ठीक है, स्टेलाइजेशन की। अब ऑटोक्लेव के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ऑटोक्लेव से भी। सो ऑटोक्लेव के अंदर अपन क्या, टाइम कितना रखते हैं, टाइम ऑटोक्लेव में रखते हैं 15 to 30 मिनट का। टेम्परेचर कितना रखते हैं, 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पे। एंड जो है वो प्रेशर कितना रखते हैं, 15 LB पर इंच
स्क्वायर का जो अपने यहाँ पे प्रेशर अपने को ऑटोक्लेव के अंदर रखते हैं, ठीक है। और ऑटोक्लेव से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी हीट पे काम करता है। सो ये काम करता है मॉइस्ट हीट के ऊपर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, इसीलिए मैं इन सबको यहाँ पे आपको सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। एक इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं नहीं बता सकता, जबकि इतने सारे हर लाइन के अंदर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, ओके। अब लुईस पाश्चर के साथ में अपन और अपन बात कर लेते हैं, और इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था। सो इन्होंने एक इन्होंने भी एक जैसे एडवर्ड जीनर ने यहाँ पे वैक्सीनेशन की जो टर्म कॉइंड की थी, इन्होंने क्या कहा था, वैक्सीन की जो टर्म है, वैक्सीन टर्म कॉइंड बाय लुईस पाश्चर, ठीक है। एडवर्ड जीनर ने क्या कहा था, वैक्सीनेशन दिया था। अब लुईस पाश्चर ने क्या दिया था, वैक्सीन टर्म दी थी, ठीक है। वैक्सीन वर्ड को कॉइन किसने किया था, लुईस पाश्चर ने। अब इसके बाद में इन्होंने कौन कौन सी वैक्सीन बनाई थी उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। सो इन्होंने लुईस पाश्चर जी ने एक तो रेबीज की वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर की थी, नेक्स्ट चिकन पॉक्स की, इसके बाद में एंथ्रेक्स, ठीक है। तो ये कुछ वैक्सीन है, इनका इनमें काफी बड़ा रोल है, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इन बाकी सारे साइंटिस्ट के ऊपर, ठीक है। सो हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर, कब डिस्कवर की थी। इसके साथ में अपन ने सराउंडिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक्स में से अपन ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है अपन किसको बोलेंगे, ट्यूबरकुलोसिस को, कोलेरा को, जॉन स्नो को, या फिर लुईस पाश्चर को, ठीक है। तो लुईस पाश्चर के बारे में हमने पढ़ा था, इनको अपन फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ नहीं बोलते हैं, जॉन स्नो को भी फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ नहीं बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को अपन फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ नहीं बोलते हैं, किसको बोलेंगे, कोलेरा को, ठीक है। सो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन है, कोलेरा। यहाँ पे कोई किसी पर्सन का नाम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से, कौन है यहाँ पे, कोलेरा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मलेरियल पैरासाइट वाज डिस्कवर्ड बाय, जो मलेरियल का जो पैरासाइट है उसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कॉक, लुईस पाश्चर, रोनाल्ड रोस, या फिर चार्ल्स एल्फोंस लावरेन ने, ठीक है। सो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इसको पढ़ लिया था, मलेरिया की जो पैरासाइट की डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था चार्ल्स एल्फोंस लावरेन ने, जो है वो इसको डिस्कवर किया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोरी ऑफ वेब ऑफ कोजेशन वाज गिवन बाय, ठीक है। सीएचओडीएस एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ, थियोरी ऑफ वेब ऑफ कोजेशन वाज गिवन बाय, ऐसी थ्योरी किसने दी थी, मैकन एंड पग ने, पैटेंग ऑफर ने, जॉन स्नो ने, या फिर लुईस पाश्चर ने, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया था, इन दोनों ने तो नहीं दी थी, पैटेंग ऑफर ने भी ये थ्योरी नहीं दी थी, किसने दी थी, मैकन एंड पग ने, जो है वो वेब ऑफ कोजेशन की जो थ्योरी है इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर की थी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बाय एनाफिलीज मस्किटो, जो एनाफिलीज मस्किटो के द्वारा मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है प्लाज्मोडियम से, सो वो जो है वो किसने डिस्कवर किया था, रोनाल्ड रोज ने, लावरेन ने, म्यूलर ने, या फिर पंपाना ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपन ने पढ़ चुका था कि जो रोनाल्ड रोज जो है इन्होंने डिस्कवर किया था कि भाई कैसे मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है एनाफिलीज से, ठीक है, वो साइकिल किसकी, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो वो साइकिल जो किसने डिस्कवर की थी, रोनाल्ड रोज ने। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा, रोनाल्ड रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वारंटाइन वाज फर्स्ट अप्लाइड फॉर, जो क्वारंटाइन की प्रोसेस है, क्वारंटाइन की प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन रहते हैं उनको नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रखा जाता है जब तक उनका इन्फेक्टिविटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो क्वारंटाइन जो है वो सबसे पहले किसके लिए यूज में लिया गया था, एचआईवी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, लेप्रोसी के लिए, या फिर प्लेग के लिए। सो क्वारंटाइन जो है वो सबसे पहला अप्लाइड किया गया था किसके लिए, प्लेग के लिए, ठीक है। प्लेग के लिए जो है वो क्वारंटाइन जो है वो सबसे पहले अप्लाइड किया गया था, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं कि थोड़ा प्लेग के बारे में अपन बात कर लेते हैं। प्लेग को अपन दूसरे नाम से अपन क्या बोल सकते हैं, ब्लैक डेथ, ठीक है। एचआईवी को अपन क्या बोलते हैं, व्हाइट डेथ, एंड येलो फीवर को अपन क्या बोलते हैं, येलो डेथ, ठीक है। तो ये कुछ फॉर नॉलेज
अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, प्लेग का जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? ये एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, कौन सा है? यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, तो यर्सिनिया पेस्टिस जो है वो इसका कॉजेटिव एजेंट है। अब इसके बारे में यर्सिनिया पेस्टिस का जो इनको जो है वो सोर्स कौन रहता है 1% 2% में फैलने के लिए? वो रहता है वाइल्ड रेट या फिर रेड फ्लिया। ठीक है, वाइल्ड रोडेंट्स या फिर रेड फ्लिया जो है वो इसका जो सोर्स वो रहता है इन्फेक्शन। अब इसके बाद में प्लेग की 3 स्टेज होती है, ठीक है, 3 टाइप्स का जो प्लेग की जो स्टेप्स हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट कौन सी होती है? न्यूमोनिक। सेकंड कौन सी होती है? ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक। एंड थर्ड होती है ब्यूबोनिक। ठीक है, सो इनके इन्फेक्टिविटी पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले न्यूमोनिक, न्यूमोनिया से अपने पता है न्यूमोनिया कहाँ होता है? लंग्स में होता है। तो ठीक है, न्यूमोनिक जो फेज है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? लंग्स के अंदर। सेप्टिसेमिक जो रहती है वो अपने कहाँ रहती है? ब्लड के अंदर। एंड ब्यूबोनिक के अंदर क्या होता है? लिम्फ नोड के अंदर जो है वो प्लेग का जो स्प्रेड हो जाता है, लिम्फ नोड तक हो जाता है। सो इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्यूबोनिक पोर। इसके ये मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बारे में इनका इन्फेक्टिविटी पीरियड कब तक रहता है? 1 to 3 डेज के अंदर। ठीक है, और इसका रहता है 2 to 7 डेज के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था एक बार? उत्तराखंड सीएचओ जैसे एग्जाम के अंदर, एमपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी? ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस इसकी थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। अब अगर एग्जाम के अंदर आपसे एक नया क्वेश्चन बनता है इससे वैक्सीन के बारे में कि भाई प्लेग की भी वैक्सीन बनाई गई थी, वो कौन सी थी? शोकी मीडिएट, हाफकाइन। ठीक है, तो ये वैक्सीन जो है वो इन्होंने बनाई थी। ठीक है, सो इस वैक्सीन, ये कैसी वैक्सीन है? ये एक इंटर जो सॉरी इनएक्टिवेटेड टाइप की वैक्सीन होती है एक। ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ओके, प्लेग के लिए। इसके बारे में क्वेश्चन आज तक तो कभी आया नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा इसके बारे में, वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ, बट फॉर नॉलेज अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में, प्लेग के बारे में। ओके, सो यहाँ पे प्लेग के रिगार्डिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन देखने को मिलता है अपने, कौन सा? लेप्रोसी। सो लेप्रोसी को क्या बोलते हैं? अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट साइंटिफिक डिस्कवर डिजीज, ठीक है, फर्स्ट साइंटिफिक डिस्कवर डिजीज किसका हुआ था? सबसे पहले कौन सी डिजीज जो है वो साइंटिफिकली डायग्नोस हुई थी? वो हुई थी लेप्रोसी। ठीक है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या था? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? हैजन्स डिजीज, हैंसन हैजन्स डिजीज। ठीक है, ठीक है, हैजन डिजीज से भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, WHO डिक्लेयर दैट स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड इन। ये अपने क्वेश्चन अभी प्रीवियसली सोल्व किया था कि WHO ने स्मॉल पॉक्स को कब डिक्लेयर किया था अपने जो वर्ल्ड से, ग्लोबली इरेडिकेट कब हुआ था? मई 1978, सितंबर 1984, मई 1980 या फिर जुलाई 1987। सो 8 मई 1980 को जो है वो WHO ने ग्लोबली इरेडिकेट हो गया था। कब हुआ था? 8 मई 1980 को, ठीक है, ग्लोबली इरेडिकेट हुआ था। इसके साथ में अपन थोड़ा WHO के बारे में देख लेते हैं, WHO कब एस्टैब्लिश हुआ था? सो WHO एस्टैब्लिश हुआ था 7th ऑफ अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसलिए 7th अप्रैल एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ डे की 2022 की क्या थीम थी अगर एग्जाम के अंदर पूछे तो थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक है, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक है, तो ये जो थीम थी, ये थीम से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सो आई होप एग्जाम के अंदर आ जाए और आप लोग सभी का ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मई 1980। डेट पूछे एग्जैक्ट तो 8 मई 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर? बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर कौन सी डिजीज को कहा गया है? ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, लेप्रोसी या फिर मलेरिया? ठीक है, सो कोलेरा के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। लेप्रोसी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट साइंटिफिकली डिस्कवर्ड डिजीज। मलेरिया के बारे में अपन ने पढ़ लिया था पहले। सो ट्यूबरकुलोसिस को अपन क्या बोलते हैं? बैरोमीटर ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर। ठीक है, तो इसको अपन क्या, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, इसको किसको बोलेंगे? ट्यूबरकुलोसिस को अपन कहते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ट्यूबरकुलोसिस। इसके बैक्टीरिया के बारे में अपन पढ़ा था कैसा होता है? रोड सेप। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसके बारे में भी काफी बड़ा टॉपिक है ये, अपना वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो रहा है, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए भी हैं, तो उसको अपन कंप्लीट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में फिर कभी अपन सोल्व कर लेंगे इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स को, प्रीवियस जो मेरे वीडियोज है उनके अंदर ड्रग्स को, ट्यूबी को भी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप चाहो तो उन वीडियोज को भी कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो कब सेलिब्रेट होता है? एम्स एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट दिसंबर। ठीक है, सो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक डेथ इज, ब्लैक डेथ अपन किसको बोलते हैं? प्लेग, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस या फिर कोलेरा? ठीक है, तो ब्लैक को अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ बोलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अपन इसका जो रेशनल था उसके अंदर अपन इसको सोल्व कर लिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड डे डिजीज इज, ठीक है, थर्ड डे डिजीज अपन इसको बोलते हैं? रूबेला, रूबियोला, रोजेला इन्फेंटम या फिर मीजल्स? ठीक है, सो मीजल्स, रूबियोला एंड रोजेला इन्फेंटम को, इन सभी को अपन क्या थर्ड डे डिजीज नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं? रूबेला को जो है अपन थर्ड डे डिजीज अपन जो है वो रूबेला को कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं रूबेला के बारे में कि ये इसका जो इन्फेक्शन है ये कैसा है? ड्रॉपलेट है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। टोगा वायरस इसको रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टोगा वायरस रेस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट, टोगा वायरस भी क्वेश्चन में आ चुका है, सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम के इसके बाद में क्वेश्चन पूछता है आपने को इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, तो 10 to 21 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितनी होती है? 7 days ऑफ ऑनसेट। ठीक है, 7 days ऑनसेट के बाद में 7 days जो है वो इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी रहती है। ठीक है, ऑनसेट से 7 days प्रियर एंड 7 days आफ्टर। ठीक है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब इन्फेक्शन कोज करने की इसका जो रहता है ड्यूरेशन, वो ये ड्यूरेशन रहता है। अब इसके वैक्सीन से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, एक तो एमएमआर वैक्सीन वो लगाई जाती है किसके लिए? मीजल्स, मम्स, रूबेला। ठीक है, ये इसका रूट क्या रहता है एमएमआर का? इसका रूट रहता है सबक्यूटेनियस विथ राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म के अंदर जो है बेबीज के लिए ये सबक्यूटेनियसली लगती है। इसकी डोज कितनी होती है? 0.5 ml जो है उसकी डोज रहती है। ठीक है, इसके बाद में एक स्पेशली रूबेला के लिए एक वैक्सीन बनाई गई थी, उसको अपन क्या बोलते हैं? RA27/3। ठीक है, सो RA27/3 है, ये एक प्रकार की लाइव वैक्सीन है। इसका क्या रूट रहता है? इंट्रा नेजल। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और RA27/3 ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले का। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रूबेला के टॉपिक से अपने को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो WHO ने अपने को प्रिस्क्राइब किया है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनमें से सबको इंक्लूड किया गया एक को छोड़ के। ठीक है, इनकम, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ या फिर ह्यूमन राइट्स। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा है? एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स जो है वो कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो नहीं अपने को प्रेजेंट करता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ह्यूमन राइट। बाकी इनकम, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन एंड जो अपना हाउसिंग है, ठीक है, ये सभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपन डिस्क्राइब करता है। एंड लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल एंड अदर सर्विसेज है, ये सभी अपन क्या करता है? ये जो बाकी सारी सर्विसेज है न्यूट्रिशन की और
हाउसिंग की, ठीक है, ये सभी चीजें जो इनकम वगैरह है ये सभी क्या करते हैं, किसी भी पर्सन का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है अपन कैसे पता लगाते हैं, इन सब चीजों को देख के, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स से कोई भी लेना देना नहीं है अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का, सॉरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल इज बेस्ट असेस्ड बाई, ठीक है, कोई भी पर्सन का उसका लिविंग स्टैंडर्ड का अपना पता लगाना है तो उसका बेस्ट असेस अपन कैसे लगा सकते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, मैटरनल मोर्टेलिटी, या फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, या फिर डेथ रेट से, ठीक है। तो लिविंग स्टैंडर्ड का पता लगाना है तो ऑब्वियसली फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की मदद से अपन जो है वो क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ इसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कितना है। इसको अपन शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, PQLI, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको PQLI अगर दिया जाता है ऑप्शंस के अंदर तो वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि PQLI की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर, और इसको PQLI का जो है वो इसके ऐसा ऑप्शन के अंदर आपको ऐसे देके कंफ्यूज भी कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, HDI के अंदर जो डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके अंदर अपन किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, रियल GDP पर कैपिटा, एडल्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एडल्ट लिटरेसी रेट को अपन असेस करते हैं, रियल GDP पर कैपिटा जो है वो भी अपन असेस करते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग को भी अपन असेस करते हैं, एजुकेशन को भी असेस करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1 इसको जो है वो अपन असेस नहीं करते हैं, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको क्यों नहीं करते, इसकी जगह क्या करते हैं, इसकी जगह करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, यहां पे एज 1 को नहीं करके लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को जो अपन यहां पे असेस करते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ये अपन इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास है वो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अराउंड 30 क्वेश्चन जो है हमने सोल्व किए हैं, 30 क्वेश्चन के साथ में मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको रेशनल्स में आपको बताऊं, रेशनल्स से कैसे क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं वो भी मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट वगैरह है तो या फिर कुछ पॉइंट के अंदर कोई डाउट है तो आप उसको अपन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपन उसको सोल्व करेंगे वहां पे, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि लाइक करने से क्या मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है, ताकि कल की क्लास में अपन और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर पाएं, ओके। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सो और आप भी जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम जॉब को अचीव कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। इसी के साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, मैं आपको अगेन आपको मेमोराइज करा देता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी अपने चलाई जा रही है तो उनको भी आप बाय करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अपन और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करे अपने एम्स नौसिट प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।